तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। धूम फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर संजय गढ़वी का निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 57 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हुई है। प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 19 नवंबर की सुबह 9:45 बजे संजय की डेथ हुई। उन्होंने बताया कि संजय को सुबह हार्ट अटैक आया और वो जमीन पर गिर पड़े। संजय के दोस्तों ने इंडिया टुडे को बताया कि बीते कुछ दिनों से उन्हें सेहत को लेकर कोई शिकायत नहीं थी। कुछ दिन पहले ही संजय किसी मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने भी गए थे। संजय ने अपने फिल्म मेकिंग करियर की शुरुआत 2001 में की थी, लेकिन उनके भयंकर पॉपुलैरिटी दिलाई YRF की धूम फ्रेंचाइजी ने। संजय ने धूम और धूम 2 डायरेक्ट की थी। दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी की थी। यशराज फिल्म्स ने संजय की याद में लिखा, जो जादू उन्होंने स्क्रीन पर बनाया उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनकी आत्मा को शांति मिले। हम तुम और फना जैसी फिल्में बना चुके कुणाल कोहली ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये दंग कर देने वाली खबर है। रेस्ट इन पीस संजय गढ़वी। कभी नहीं सोचा था कि आपके लिए ऐसा कुछ लिखना होगा। इतने साल तक YRF में ऑफिस लंच के डब्बे शेयर किए, तो मैं मिस करूंगा दोस्त, यकीन करना मुश्किल है। साल 2001 में रिलीज हुई तेरे लिए संजय की पहली फिल्म थी। उनकी फिल्म पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। लोगों की नज़रों में लाने का काम उनकी दूसरी फिल्म ने किया। YRF के लिए संजय ने मेरे यार की शादी है बनाई। कास्ट में जिमी शेरगिल, उदय चोपड़ा, ट्यूलिप जोशी और बिपाशा बसु जैसे नाम थे। मेरे यार की शादी है ब्लॉकबस्टर नहीं थी, लेकिन फिल्म ने ठीक ठाक कमाई कर ली थी। उसके बाद आई संजय के करियर की सबसे बड़ी फिल्म। उन्होंने जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा और रिमी सेन को लेकर धूम बनाई। एक हाईएस्ट एक्शन फिल्म जिसके एंटी हीरो को खासा पसंद किया। धूम के सीक्वल को भी जनता ने खुली बाहों से अपनाया। यहाँ ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय और बिपाशा बसु नजर आए। धूम 2 साल 2006 की सबसे कमाओ हिंदी फिल्म बनकर निकली। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक धूम 2 ने दुनिया भर में करीब 150 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया था। धूम फ्रेंचाइज के बाद संजय को फिर कभी वैसी कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने किडनैप और अजब गजब लव जैसी फिल्में बनाई, लेकिन वो नहीं चली। बड़े पर्दे के बाद संजय ने डिजिटल स्पेस में भी कदम रखा। उन्होंने Z5 के लिए ऑपरेशन परिंदे नाम की फिल्म डायरेक्ट की। वहाँ लीड में अमित साध थे। बता दें, ये संजय का आखिरी प्रोजेक्ट था। अब आपको दे देते हैं एक ज़रूरी सूचना। स्क्रीन के इधर से हम दिखते हैं और उधर से आप, कोई मतलब है इसका? इसलिए हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं लल्लन टॉप अड्डा। एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर होंगे और इस बार का अड्डा सजेगा मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में, जो कि 24, 25 और 26 नवंबर को होना है। तो समय निकालिए और पहुँच जाइए। एंट्री फ्री है। ऐप पर जाकर वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करिए और रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे 24, 25 और 26 नवंबर को। तो ये बात हुई धूम फिल्म के डायरेक्टर से जुड़ी हुई खबर की। लेकिन अगर आप सिनेमा से जुड़े और भी वीडियोस और फिल्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल लल्लन टॉप सिनेमा को देखते रहिए। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।